बीदर जिले में पहली बार दास साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कन्नड़ा को आगे बढ़ाने में जिन महाभावों का योगदान रहा उनको लेकर चिंतन और मनन का दौर जारी रहेगा। इस सम्मेलन में क्या कुछ खास रहेगा जानने के लिए देखिए आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन कृष्णा की ये खास रिपोर्ट। अध्यक्षतेयन्न आ संस्थे अध्यक्षरागिरुवंत श्री वैजयंत तोंडळ्ळेनवरु अध्यक्षतेयन्न वहिसलिद्दारे। मुख्य अतिथिगळागि बीदर्न अनेक शिक्षण संस्थेय प्रमुखरु अदु अध्यक्षरिरबहुदु कार्यदर्शिगळु मत्तु मुख्योपाध्यायरु ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಜರುಗಲಿದೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯಾದಂಥ ಒಬ್ಬರಿ ಶಿವಾನಿ ಅವಳಿಂದ ನಾಡಗೀತೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೂಲಕ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸಮ್ಮುಖವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕಿಯ ಪೂಜ್ಯರು ಕುಲಸೂರಿನ ಶ್ರೀಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠ ತಿಂತಣಿಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಪುರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕಾತ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಾಸ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎಂ ರೇವಣ್ಣರವರು ಆ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಭಗವಾನ್ ಬೂಬಾಜಿ ಅವರು, ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ರಹೀಮ್ಖಾನ್ ಅವರು, ರೇಣುಕಾ ಎಂ ಸ್ವಾಮಿರವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಯುವ ಸಾಹಿತಿಗಳಂತ ನಾಗೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು, ಗಣ್ಯರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ರಮೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂರ ಸಹೋದರಿಯಾದಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸೋನಾರ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಶಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಒಂದು 5 ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಿರಂಗ ಅಧಿವೇಶನ ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:15 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ. जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के द्वारा 30 दिसंबर की तारीख को एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है दास साहित्य सम्मेलन। अब इसी को लेकर के यहाँ के जो प्रचारक हैं उनसे हम जुड़ना चाहेंगे। छित्री जी, सबसे पहले आप इसे समझना चाहेंगे कि आयोजन किस तरीके से होगा, कौन कौन से महानुभाव इसमें शिरकत करने वाले हैं? देखिए, पहली बार हमारे कर्नाटक में और विशेष करके जो बीदर में कन्नड़ साहित्य परिषद का जो परिषद है उसके ओर जो दास साहित्य सम्मेलन करने जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि पहली बार इन्होंने जो कन्नड़ साहित्य परिषद को हटकर भी यहाँ पर जो दास साहित्य सम्मेलन है और दलित साहित्य सम्मेलन और वचन साहित्य सम्मेलन और बहुत सारे ऐसे जो फील्ड हैं जिनको आज तक कोई टच नहीं किया गया, ऐसे जो महान भावी साधु संत लोग हैं जैसे कि कनकदास है, पुरंदरदास है, बाबा साहब अम्बेडकर है, इनके बारे में भी थोड़ा चिंतन मंथन होना चाहिए कन्नड़ के साथ में। इन लोगों ने भी कन्नड़ को जो इतना जो आज पावरफुल हुआ है, कन्नड़ जो इतना जो कर्नाटक में सबसे हाईएस्ट लैंग्वेज है, उसके लिए ये दास लोगों ने भी बहुत काम किया है। उनके पीरियड में 1600 ईस्वी में कनकदास जी ने बहुत सारे जैसे कि 1200 साल पहले बसवाणा जी ने जो हमारे यहाँ के लोगों को जो रास्ता दिखाया जीने का, उसी तरह कनकदास ने भी इस समाज के लिए जिसके अंदर जो बहुत सारे मूढ़नंबिकाएं हैं तो उनको हटाकर सही जीवन, साइंटिफिक जीवन जीने के लिए जो रास्ता बताए हैं, और वो भी कन्नड़ में। इसलिए ऐसा कन्नड़ में जो इतना काम किए सो लोग, जो साधु संत लोग हैं, उनके बारे में भी हम चिंतन मंथन करना, और बिदर में 30 तारीख को रंग मंदिर में सुबह तकरीबन 4,000 से 5,000 लोग जमकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, और उसमें हम कमठाणे का जो स्कूल है उस स्कूल से लेकर बीदर में उसका जो प्रोसेशन होगा, उस प्रोसेशन में बहुत सारे जो दास लोग हैं उनके जो भावचित्र होगा, उनका जुलूस होगा, और रंग मंदिर में आने के बाद में एक बड़ा फंक्शन होगा जिसका अध्यक्ष सन्मान्य श्री हमारे इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे जी कर रहे हैं, और बेंगलुरु से जो चीफ गेस्ट होके एच एम रेवणा जो एक्स मिनिस्टर हैं उन लोगों ने आके तकरीबन शाम के 9 बजे तक, सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक ये कार्यक्रम अलग अलग गोष्ठी बनाकर अलग अलग जो महान भावी जो संत है इन लोगों के ऊपर चर्चा होने वाला है, उनको विषय दिया गया है, बहुत ही डिटेल
30 तारीख के दिन जो खाने का भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। ये जस्ट एक फेस्टिवल के स्तर का एक काम हम कर रहे हैं 30 तारीख को। मैं बिदर के सब तमाम नागरिकों से विनती करता हूँ कि 30 तारीख को रंग मंदिर में 11 बजे आकर आप हमारे कार्यक्रम को यशस्वी करिएगा और कन्नड़ का जो कार्यक्रम है उसको थोड़ा ताकत देने के लिए मैं अपील करता हूँ। धन्यवाद। आपने कहा कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, कि कौन कौन से तबके से लोग यहाँ पर आएंगे, या फिर कहें कि अगर एज कैटेगरी की हम बात करें तो महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल होंगे? 100% महिला भी आएंगे और बच्चे भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे। और इसको जो कन्नड़ा को ये एक लैंग्वेज है, इसको कोई जात धर्म नहीं है, हर समाज के लोग जो कन्नड़ा का जो प्यार करते हैं वो सभी लोग इसके अंदर शामिल होंगे। बिल्कुल, इसका उद्देश्य यही कि जो प्राचीन टाइम में जो हमारे महानुभावों ने जो कन्नड़ लैंग्वेज में जो ज्ञान दिया, तो हम उनके उस योगदान को भूले ना, नई पीढ़ी से हमेशा याद रखें। 100% आपने सही किया। जो लोग कन्नड़ के लिए इतने 600 साल, हजारों साल उन्होंने जो काम किया, उनके बारे में हम गुणगान करना, उनके बारे में चिंतन मंथन करना, हमारे आगे पीढ़ी को भी जो मालूम होता है कभी ऐसे ऐसे लोगों ने कन्नड़ के लिए अपने काम किया, वो बताने का भी हमारा जरूरी है, हम लोगों को जिम्मेदारी है। जो कन्नड़ इतना आगे पहुँचा है, इतना हाइएस्ट लैंग्वेज बना है, तो इस लैंग्वेज के लिए जिन जिनने काम किया वो इनका काम क्या बोल के हम अगले बच्चों को भी ये बताने का बहुत जरूरी है। एक आखिरी सवाल, किसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रहेगी, क्या कुछ माकूल व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की जाएगी, और बीदर के आम आवाम से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं बीदर के आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि बहुत ही डिसिप्लिन जो जुलूस होगा, जिसको भी हार्मफुल नहीं होगा, बहुत सिस्टमेटिक जुलूस होगा, उसके बाद में फंक्शन होगा और उसके बाद में खाने भी चलेगा। बहुत डिसिप्लिन की तरफ से हमारे बहुत सारे 100-200 हमारे वर्कर हैं जो बहुत सारे जुलूस में भी वो लोग साथ में रहेंगे और कार्यक्रम में भी रहेंगे, और जो खाने के टाइम पर भी डिसिप्लिन के साथ में सबका हम पर इंतजाम हम लोग करेंगे, अपने खुद के कार्यकर्ताओं को लगाकर हम वो व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो ये थी इस खास सम्मेलन से जुड़ी तमाम जानकारी। आप देखना यही महत्वपूर्ण कि 30 तारीख को जब इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा तो लोगों का उत्साह किस चरम पर होगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ पीतर। थैंक यू।